हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के कुछ अच्छे क्वेश्चन। करोगे कैसे, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो सोल्यूशन देखो, देखो कहाँ कमी आ रही है, ठीक है ना। मतलब अगर नहीं हुआ क्वेश्चन तो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, फिर उस पर काम करो, उस पर सुधार करो। और ये बात यहाँ नहीं, पूरी जिंदगी भर याद रखो। जब तक इस धरती पर रहोगे तब तक याद रखो कि जब तक तुम कुछ काम करोगे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आएंगे यार। उनको रेक्टिफाई करके, उनको रिजॉल्व करके, उनको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है, तब जाके सक्सेस मिलेगा। चलो तो सबसे पहले ये कहता है कि एक वर्टिकल स्प्रिंग है। चलो एक वर्टिकल स्प्रिंग बना लिया हमने, दिस इज द वर्टिकल स्प्रिंग। ये एक हम लोग के पास वर्टिकल स्प्रिंग है। अब इस वर्टिकल स्प्रिंग कहता है फिक्स ऑन ए टेबल ए बॉल मास एम हाइट एच एबव द फ्री सरफेस वर्टिकली ड्रॉप सो दैट स्प्रिंग कंप्रेस बाय ए डिस्टेंस डी द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। चलो तो अगर ये वर्टिकल स्प्रिंग है, समझना इसको, इस वर्टिकल स्प्रिंग के कुछ हाइट से, ठीक है, यहाँ से कुछ हाइट से मैं एक बॉल गिराता हूँ, ठीक है, कुछ हाइट से मैं एक बॉल गिराता हूँ। और मैंने बॉल गिराया, ये जो हाइट है वो इन्हों ये बता रहे हैं कि कुछ हाइट एच से मैं बॉल गिराऊंगा, क्लियर है। और उसके बाद जो स्प्रिंग है वो डी कंप्रेस हो गई है, ठीक है, वो डी कंप्रेस हो गई है। मतलब फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, मान लो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो गई और ये स्प्रिंग हम लोग की कंप्रेस हो गई। अब बॉल यहाँ है, दैट इज द कंप्रेशन, कंप्रेशन इन स्प्रिंग इज डी, ठीक है, या मतलब ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, इससे ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो सकता। तो उस मोमेंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। और यहाँ ड्रॉप हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो से ड्रॉप हुआ था, समझना, यू जीरो से ड्रॉप हुआ था। ये टोटल डिस्टेंस डी प्लस एच हो गया। और फाइनली वेलोसिटी भी मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में यहाँ भी जीरो होगी यार। तो चेंज इन मास जो है बॉल का मास एम है, तो चेंज इन जो बॉल का मास m है, तो चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल टू फाइनल जीरो हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फोर्स, जितने भी फोर्स वर्क किए होंगे उन सभी का नेट वर्क डन जीरो होगा यार, ठीक है। अगर नेटवर्क जीने, आप देखते हैं कितने फोर्स इस पे वर्क किए। अगर बॉल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग, जब स्प्रिंग यहाँ से स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट होगा तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। दिस इज द नेट वर्क डन। एक्चुअली जो नेटवर्क डन है वो तो होगा तो जीरो ही है, नेटवर्क डन तो जीरो ही होगा, बिकॉज देख रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो इक्वल है तो वर्क डन जीरो होगा, पर वो जो जीरो हो किसी अलग फॉर्म में दिया हुआ है। चलो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो जब वो नीचे आएगा तो ग्रेविटी वर्क करेगा एम जी डी प्लस एच, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटी फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेविटी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच प्लस डी, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ से स्प्रिंग वर्क करना स्टार्ट करेगा, जब स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा, समझना, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है, और स्प्रिंग का फोर्स अगर ऊपर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो स्प्रिंग कुल मिला के, जब मैक्सिमम स्प्रिंग जितना कंप्रेस होगी, जितनी मतलब 100 जूल एनर्जी हमने स्प्रिंग को कंप्रेस करने में लगा दिया, तो वही 100 जूल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग का वर्क डन होगा निगेटिव। तो स्प्रिंग का वर्क डन निगेटिव होगा और माइनस हाफ के और डिस्प्लेसमेंट डी, दिस इज द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। एक्चुअली अगर ये पूरा जीरो के बराबर है तो ये वर्क डन और ये वर्क डन आपस में इक्वल है यार, समझ रहे हो ना। मतलब एम जी डी प्लस एच मस्ट बी इक्वल टू हाफ के डी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है वो इसी के टर्म में दिया होगा, एम जी डी प्लस एच, एम डी डी प्लस एच, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट ये कहता है 300 जूल वर्क डन इन स्लाइडिंग ए ब्लॉक 2 kg। चलो एक ब्लॉक है हम लोगों के पास जो ऑलरेडी जिसका मास 2 kg है,
एक ब्लॉक यहाँ से चलता है और यहाँ आ जाता है, तो टोटल वर्क डन जो है वो 300 जूल हो जाता है। हरा बात समझ में, यहाँ से एक ब्लॉक चला और नीचे आ गया तो टोटल वर्क डन 300 जूल हो गया, और इस ब्लॉक का मास 2 kg था। अब इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट, हाइट ये 10 meters है, इंक्लाइंड प्लेन की हाइट 10 meters है। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जब ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, क्लियर है। नॉर्मल इधर लगेगा, एमजी नीचे लगेगी, क्या कभी नॉर्मल वर्क करेगा? नहीं, नॉर्मल का वर्क डन 0 है। तो कुल मिला के 3 फोर्स लग रहे हैं, तो नॉर्मल फ्रिक्शन एमजी, और तीनों वर्क करेंगे, नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा, कुछ फ्रिक्शन वर्क किया होगा, कुछ एमजी वर्क की होगी। तो अगेन जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, 300 जूल है। तो जब ये ब्लॉक यहां से चला था, रेस्ट से चला था, इज इक्वल टू 0, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में कहता वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन जो है वो यहां पे आपको 300 जूल दे रखा है, ठीक है। अब कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय द एमजी ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू 300 जूल, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें निकालना, वर्क डन नॉर्मल 0 हो गया, वर्क डन फ्रिक्शन चाहिए, और ग्रेविटी mgh वर्क डन हो गया, और दैट इज 300 जूल। भाई ग्रेविटी का वर्क डन ये यहां से नीचे आ गया ना, कितना नीचे आया, mgh ग्रेविटी का वर्क डन, ठीक है। तो ये फाइनली मुझे मिल जाएगा वर्क डन फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 300, और माइनस मास ऑफ द ब्लॉक कितना था, 2 kg, जी की वैल्यू 10 हो गया, हाइट 10 हो गया, और 200 हो गया, मतलब 100 जूल जो है, 100 जूल फ्रिक्शन इसमें वर्क किया होगा, ठीक है। तो दैट इज द 100 जूल इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, दैट इज सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 meters इज यू, समझो अगर कोई स्प्रिंग है हम लोगों के पास, उसको हमने स्ट्रेच किया, ठीक है, और कितना स्ट्रेच किया, 2 centimeters, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी यू आ जाएगा। ऑब्वियसली स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट का जो एनर्जी है वो इसमें आ जाता है। इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच 8 centimeters, अगर ये स्ट्रेच 8 centimeters कर दिया जाए, तो अब एनर्जी यू डैश यू के टर्म में निकालना है ना, आसान क्वेश्चन है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक ही स्प्रिंग है तो के कांस्टेंट है, मतलब यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर। अगर यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब यू डैश अपॉन यू दैट इज 8/2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 8/2 इज इक्वल टू 16, यू डैश इज इक्वल टू 16 यू के इक्वल आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ 16 यू के इक्वल आ जाएगा, और ये हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। ये मास 3 kg अंडर एक कांस्टेंट फोर्स, और उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, अंडर ए कांस्टेंट फोर्स विच कॉज ए डिस्प्लेसमेंट ए। ये अब एक वो बॉडी है उस पे फोर्स, कांस्टेंट फोर्स विच कॉज ए डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स वेरी नहीं कर रहा, जो लग रहा है मतलब लग रहा है यार, ठीक है टी। अब 2 सेकेंड बाद जो है, 2 सेकेंड बाद हम लोगों को वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ, देखो वर्क डन निकालना चाहूं तो यहां पे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट डीएस, यहां डीएस डिस्प्लेसमेंट डीएस ये चाहिए। तो सबसे पहले मुझे फोर्स ही नहीं पता है, सबसे पहले मुझे फोर्स नहीं पता है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया ना भाई, डिस्प्लेसमेंट से फोर्स निकल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से एक्सलेशन आ गया, एक्सलेशन से फोर्स आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है टी स्क्वायर ओवर 3, तो वेलोसिटी ds ओवर dt, ds ओवर dt कितना बना, तो ds ओवर dt बना 2t upon 3, ds ओवर dt बना 2t upon 3, तो ये 2t upon 3 ds, तो एक्सलेशन कितना बना, तो एक्सलेशन बना वो बनेगा db upon dt। तो ये हम लोग के पास क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 by 3 दैट इज द एक्सलेशन। तो फोर्स आ जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन, तो फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन आ जाएगा। तो मास कितना है, 3 kg है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज ये आ जाएगा 2
न्यूटन, दो न्यूटन एक कांस्टेंट फोर्स इस पे लग रहा है जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया। अब मुझे वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन अगर मुझे चाहिए तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटीग्रल एफ डी एस, ठीक है। तो फोर्स तो आ गया दो न्यूटन, तो ये डी एस डिस्प्लेसमेंट को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं, टाइम, ठीक है, टाइम लिमिट जो टाइम है t इज इक्वल टू जीरो टू t इज इक्वल टू टू, ठीक है, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। डी एस को मुझे टाइम के टर्म में लिखना पड़ेगा भाई, ds को मुझे टाइम के टर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि लिमिट जो है वो टाइम के टर्म में है। जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, जब टाइम दो सेकंड हुआ तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मुझे ds, तो ये जो ds यहाँ से आया हुआ है वेलोसिटी से इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। इसमें ds यहाँ से मुझे ds की वैल्यू मिल जाएगी टाइम के टर्म में, तो 2t अपॉन 3 दैट इज द dt, है ना। तो ये वाला अगर मैं ला के यहाँ रखूँगा, ये मैं यहाँ ला के रखूँगा तो हमें वर्क डन मिलेगा, हमें वर्क डन मिलेगा दैट इज फोर्स इज इक्वल टू टी न्यूटन और डी एस इज इक्वल टू टू टी अपॉन थ्री दैट इज द डी टी, टू टी अपॉन थ्री और दैट इज द डी टी और जीरो टू टू सेकेंड, ये हमें वर्क डन, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री और इसको टी को इंटीग्रेट करो, लिमिट रख दो टी स्क्वायर मतलब फोर और अपॉन फोर बाई और ये टू मतलब टू ने टू को खत्म कर दिया मतलब एट बाई थ्री जूल। That is the work done after 2 second of this constant force, जो 2 न्यूटन का फोर्स था जो कि कॉन्स्टेंट था, तो 2 सेकेंड बाद जो है 2 सेकेंड बाद इतना वर्क डन होगा 8 बाई थ्री, दैट इज द करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है, 8 बाई थ्री मतलब ये वाला सही है, डी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो होता है, ठीक है। ये जो है कहता है एक बॉम है 30 केजी का है, एट रेस्ट एक बॉम है और वो रेस्ट में है, दिस बॉम इज एट रेस्ट, ठीक है, और इसका जो मास है दैट इज 30 केजी, ठीक है, ये 30 केजी इसका मास है, ठीक है। अब इसके दो पीस होते हैं, एक 12 एक 18 केजी का, एक 12 केजी का, दो पीस हो गया, ठीक है। वेलोसिटी अब आपको पता है कि अगर बॉम रेस्ट में है और इसके दो पीस होंगे तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए यार, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर एक पीस इधर जा रहा होगा, ठीक है, एक पीस इधर जा रहा होगा तो वेलोसिटी टू पीस ऑफ 18 एंड 12 केजी, मान लो 18 वाला इधर जा रहा है एंड द वेलोसिटी ऑफ 18 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो दूसरा वाला इधर जा रहा होगा जिसका मास 12 केजी है क्योंकि वो 30 था तो इसकी वेलोसिटी भी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी तभी निकाल पाऊंगा जब वेलोसिटी निकले, स्पीड निकलेगा यार, ठीक है, तो स्पीड निकलेगा तभी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो मोमेंटम कंजर्व करा दो, इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम जीरो तभी होगा जब इन दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, मतलब इसका मोमेंटम हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 मस्ट बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई 12, है ना, तभी तो मोमेंटम जीरो होगा भाई, मोमेंटम कंजर्व करा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा 2 मतलब वी की वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड से इसके अपोजिट जाएगा, ठीक है, अपोजिट जाएगा हम पहले ही मान लिए हैं। अगर आप वेक्टर में सही से करना चाहते हो और अच्छे से करना चाहते हो तो इसको वेक्टर में लिखो, देखो निगेटिव आएगा। चलो तो काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ एम वी स्क्वायर दूसरे वाले पीस का, तो हाफ मास इसका कितना भैया, मास इसका 12 और 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 होता भैया, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा 6 और ये 6 और ये 48, ठीक है, 648 जूल दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल पीस, 468 जूल, ठीक है, आया समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। चलो ये कहता है फोर्स, और देखो ये वर्क एनर्जी पावर में प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है कई बार आया है, ठीक है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है वर्क डन, ठीक ना, तो एरिया अंडर द कर्व मतलब ये वाला जो एरिया है वो पूरा, दिस एरिया रिप्रेजेंट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, यहाँ तक फोर्स कॉन्स्टेंट था इसके बाद फोर्स वेरिएबल लगा है, तो कैसे लगा मुझे इससे मतलब नहीं है बट हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट है 0 to 6 meters, तो इसका जो एरिया आ जाएगा, एरिया ही इसका क्या देता है, वर्क डन देता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अंडर देगा, एरिया हो जाएगा हाफ ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितना है 6 plus
6 प्लस 3 सम ऑफ द पैरेलल साइड और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट अपॉन 3, ठीक है, तो यह जाएगा 9 और मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2, 9 3 27 27 अपॉन 2, ठीक है, तो यह जाएगा 13.5 जूल, ठीक है ना, तो 13.5 जूल, दैट इज द वर्क डन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, एरिया अंडर द कर्व वर्क डन निकालना, इस एरिया को दो पार्ट में भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी यार, ठीक है। कहता है एक पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1, अनदर पार्टिकल m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, दो पार्टिकल हम लोग, बोथ हैव द सेम मोमेंटम, मतलब दो पार्टिकल हैं, तो एक की पहले वाली की काइनेटिक एनर्जी e1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर या p स्क्वायर अपॉन 2m1, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी, दोनों का जो मोमेंटम है सेम है, बोथ हैव सेम मोमेंटम बट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी e1 एंड e2। अब मासेस, पहले वाले का मास अधिक है तो दूसरे वाले का मास कम है, तो जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, देखो मोमेंटम सेम है तो जिसका मास अधिक होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो पहले वाले की मास अधिक है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, दैट e1 इज लेस देन e2, e1 इज लेस देन e2, बट फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक लाइन का आसान क्वेश्चन था, मोमेंटम सेम है। चलो एक कहता है एक बॉल है मास 2 kg एदर बॉल 4 अप ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 50 मीटर टॉल बिल्डिंग आफ्टर 50 मीटर टुवर्ड ईच अदर देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक। अब देखो ए बॉल 2 kg का है, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक 2 kg का बॉल है, ठीक है 2 kg का बॉल है और एक है 4 kg ड्रॉप फ्रॉम ए 60 feet टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, समझना इसको, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हमने गिराया, एक बार 2 kg का गिराया, एक बार 4 kg का गिराया नीचे, समझ में आ रहा है, इस बिल्डिंग से मैंने एक 2 kg का बॉल गिराया, एक 4 kg का बॉल गिराया, बराबर है भाई, ठीक है। अब कहता है कुछ टाइम बाद ये नीचे आएगा, ऑब्वियसली गिराने के बाद ये नीचे ही आएगा, 30 meter तक ये 30 feet तक नीचे आ गया, यहाँ पर दोनों बॉल यहाँ पर है, ठीक है, तो देयर काइनेटिक एनर्जी जब वो यहाँ पर है तो उनके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो पहले वाले के पास काइनेटिक एनर्जी e2 है और दूसरे वाले के पास मैं e1 मान लेता हूँ, e1 e2 मान लेता हूँ, तो इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना है, पहले वाले की वेलोसिटी यहाँ पर v1 होगी और दूसरे वाले की वेलोसिटी मैं v2 मान लेता हूँ। अब देखो हाइट सेम है, हाइट सेम है तो वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी दिखेगी वी स्क्वायर भी यहाँ पर जो वेलोसिटी दिखेगी भी इज इक्वल टू 2gh, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, v1 बराबर होगा v2 के, क्योंकि इन दोनों का हाइट सेम है, ये बात समझ में आ गया। यहाँ से मैंने गिराया और इन दोनों इस पॉइंट पर उन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि हाइट सेम है, g अंडर द ग्रेविटी है, मास पे डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, दोनों का मास अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी कंपेयर कर दो, तो पहले का काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ ने हाफ को खत्म कर दिया, v1 ने v1 को, तो m1 अपॉन m2 मतलब 2 बाई 4 मतलब 1/2, ठीक है, 2/4 मतलब 1/2, दैट इज सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ये वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। एक कहता है मास 0.5 kg मूविंग विद वेलोसिटी, देखो यहां से एक 0.5 kg का मास आ रहा, इधर स्प्रिंग लगा, जैसे ही कोलिजन करेगा स्प्रिंग स्लोली कंप्रेस होगी, एक ऐसा समय आ जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में जब दोनों एक दूसरे के टच में होंगे, उस वक्त दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी, स्प्रिंग भी रेस्ट में होगा और ये भी रेस्ट में होगी, ठीक है, बॉल भी रेस्ट में होगा, स्प्रिंग का मास नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट 50, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, आप देखो कर सकते हो। यहाँ से जब ये कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, ये बॉल आया यहाँ से, अब जब ये कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में ये दोनों ये रेस्ट में होंगे, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, चलो ये दोनों रेस्ट में हैं और इस टाइम जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल का मास 0.5 kg है,
स्प्रिंग कांस्टेंट के 50 है, ठीक है, और स्पीड 1.5 है, 1.5 से मूव कर रहा है, ठीक है। चलो, तो स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, कॉमन सेंस की बात है, इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ने हाफ को खत्म कर दिया और ये मैक्सिमम कंप्रेशन है भैया, तभी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। मैक्सिमम कंप्रेशन इज इक्वल टू भी भी एम अपॉन के अंडर रूट, ठीक है। तो भी 1.5 और मास कितना है, मास 0.5 है, 1/2, और ये आ जाएगा 1/2, और के की वैल्यू 50 है, के की वैल्यू 50 है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 0.15 मीटर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, 0.15 मीटर, मतलब ए ऑप्शन सही है। क्लियर है इसको, ठीक है, एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इधर स्टेशनरी पार्टिकल है एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस ऑफ M1 M2 व्हिच मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन बच्चे करने में इसको गलती करते हैं। कहता है एक स्टेशनरी पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल स्टेशनरी है, अगर इसके दो पीस हुए, एक पीस इधर जा रहा है V1 से जिसका मास M1 है, और एक पीस जस्ट इसके अपोजिट जाएगा जिसका मास M2 है, उसकी वेलोसिटी V2 है। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे अगर दो पीस है, तो दो पीस में ब्रेक हुआ तो, ठीक है। देयर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना। चलो पहले वाली की काइनेटिक एनर्जी लिखो, पहले वाली की काइनेटिक एनर्जी E1, दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी E2, दैट इज द हाफ M1 और ये V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ M2 और ये V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ ने हाफ को काट दिया, मतलब M1 अपन M2 और V1 अपन V2 का होल स्क्वायर, V1 अपन V2 का होल स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा V1 अपन V2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें देखो मास के टर्म में लिखना है, वेलोसिटी भी है, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनली भी जीरो होगा। फाइनली जीरो तभी होगा जब इधर का मोमेंटम इधर के मोमेंटम के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। तो इधर का मोमेंटम हो गया M1 V1 और इधर का मोमेंटम हो गया M2 V2। इसका मतलब ये हुआ कि V1 अपन V2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी M2 अपन M1 के इक्वल आ जाएगी, मोमेंटम कंजर्व करा दिए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे M1 अपन M2 और मल्टीप्लाइड बाई V1 अपन V2, मतलब M2 का स्क्वायर अपन M1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि M2 अपन M1 का फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। तो काइनेटिक रेशियो जो है M2 अपन M1 के इक्वल होगा, है ना, M2 अपन M1, दैट इज द ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इनक्रीज बाय 300%, देन मोमेंटम कितना परसेंट बनेगा। देखो आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालने सबको आता होगा, 9th-10th में पढ़ के आए थे हम, 9th-10th की मैथमेटिक्स। फाइनल में से इनिशियल घटा दो, फिर 100 इनिशियल से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो एरर वाला कॉन्सेप्ट था उससे नहीं कर सकते आप, एरर वाले कॉन्सेप्ट से परसेंटेज नहीं निकाल सकते। मैं हमको हमेशा बताया हूँ परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं, जब लेस देन 5% होगा या अप टू 5% होगा तो एरर वाला कॉन्सेप्ट चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये हमें एक्चुअल प्रोसेस से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ा दी गई, कितनी 300% इंक्रीज हो गई, तो मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मान लो E- एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी E थी और E में 300% बढ़ गया, 300% ऑफ E, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, तो E प्लस 300%, तो 300E मतलब ये आ जाएगा 4E। तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी बनी है E- वो एक्चुअल जो इनिशियल थी E उसका 4 times हो गया, ठीक है। चलो, तो मोमेंटम एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर इज इक्वल टू P / 2m। तो मोमेंटम जो आ जाएगा, मोमेंटम दैट इज 2m
ई अंडर रूट, यही तो होता है भाई, ठीक है। अब मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ा, ये एक्चुअली इनिशियल है, इनिशियल इसको मान लेते हैं। अब जो इनर्जी ई डैश हो गया तो मोमेंटम पी डैश हो गया होगा, तो 2PmE- अंडर रूट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2m और e डैश की वैल्यू यहाँ हम 4e लेके आए हैं, दैट इज द 4e। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट रखोगे तो यह जाएगा 8me अंडर रूट, दैट इज द मोमेंटम p डैश, ठीक है। या यूं कहूँ, मैं यूं कहूँ कि ये 2 और 2me ऐसे लिख ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दो। चलो, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय एक्चुअल मोमेंटम और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, तो फाइनल में से इनिशियल घटा दो, तो इसमें से इसको घटाओगे तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये 2me कॉमन आ जाएगा अंडर रूट, और 2 - 1 और एक्चुअल से डिवाइड करोगे तो एक्चुअल भी 2me है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ख़त्म हो गया और यह आ जाएगा 100%। तो जो मोमेंटम है वो 100% बढ़ेगा अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ाओगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ाओगे तो मोमेंटम 100% बढ़ेगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है।